On the next day, the bird flew down the river. He watched the seamen working on the ships. "I am going to Egypt," he cried, but no one listened to him. When the moon came up, he flew back to the happy prince. "I have come to say goodbye to you," he said. अब अगले दिन फिर वो हैप्पी प्रिंस के पास गया. उसने कहा, मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं गुड बाय कहने आया हूँ. लिटिल बर्ड सेड द प्रिंस, प्लीज विल यू स्टे विद मी फॉर वन नाइट मोर नाइट. वो उसे कहते हैं, एक और रात मेरे साथ रुक जाओ. "It is winter," answered the bird. "The snow will soon come. In Egypt, the sun is warm and the trees are green. Dear prince, I must leave you, but I will never forget you." अब वो कहता है कि मुझे जाना है वहाँ पे इजिप्ट में. मिस्र में क्या है, सूरज गर्म है और वहाँ पे ही विल बी फाइन ओवर देयर, क्योंकि ठंड में परिंदे मर जाते हैं वहाँ पे, इतनी ज़्यादा सन ठंड होती है और माइग्रेट कर जाते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस, ऐसे सीजन चेंज होता है. सो डियर प्रिंस कहता है, आई मस्ट लीव यू बट आई विल नेवर फॉरगेट यू. कहता, मैं जाऊँगा तो लेकिन मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं. लेकिन वो एक और नीडी की बात सुनाएगा, उसे कहेगा हेल्प करें, तो उस पर जो है स्वेलो रुक जाएगा. A few, a little girl is standing there in the square below. She is selling eggs. वो कहता है कि एक छोटी बच्ची जो है नीचे बैठी खड़ी है और वो अंडे बेच रही है. मैच स्टिक्स है किसी में लिखा हुआ. हर एग्स हैज फॉलन ऑन द ग्राउंड. यहाँ पे मैच स्टिक्स है, ठीक है. बट अब शी हैज नो मनी टू टेक होम. हर फादर विल हिट हर. टेक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर. अब उसे कहते हैं कि ये लो, मेरी दूसरी आंख को निकाल के बच्ची को दे आओ, क्योंकि उसके पास कोई पैसे नहीं है घर ले जाने के लिए. उसका बाप जो है उसे मारेगा, उसकी मदद कर दो. आई विल स्टे विद यू फॉर वन मोर नाइट सेड द बर्ड, बट आई कैन नॉट टेक आउट योर अदर आई. यू आर नॉट बी एबल टू, यू विल नॉट बी एबल टू सी. कहते हैं, मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकाल सकता, क्योंकि इसके बाद तो तुम देखने के काबिल ही नहीं रहोगे. Do it, said the prince. Prince जैसे order होते हैं ना, authoritative. उसने कहा, वो ही करो जो मैं कह रहा हूँ. Do it, said the prince. उसने कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वही करो. So the bird took the prince's other eye and flew down it. With it, he flew. You will not be able. Okay. Then he flew to the girl and put the jewel in her hand. वो फिर उड़ा, उसकी आंख निकाली, उसने उसके पास उड़ता हुआ गया और जाके उसके हाथ के पास उसने फेंक दिया ब्लू जो सेफायर था. "This is a beautiful piece of glass," cried the girl, little girl. She ran home laughing. और बच्ची ने जब वो देखा, उसने कहा, ये तो बड़ा खूबसूरत शीशे का टुकड़ा है. और वो भागी घर की तरफ हंसती हुई. Then the bird flew back to prince. और फिर परिंदा दोबारा उड़ के जो है प्रिंस के पास गया. "You cannot see now," अब तुम नहीं देख सकते, he said. "So I will stay with you," तो इस वजह से मैं तुम्हारे पास रुकूंगा. अच्छा जी, वो लड़की भागी हुई घर गई खुशी खुशी. देन द बर्ड, वो फिर आया परिंदा दोबारा उसके पास. उसने कहा, अब तुम देख नहीं सकते हैप्पी प्रिंस को, और अब मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा. जिस पे जो है हैप्पी प्रिंस कहते हैं, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो टू इजिप्ट. कहते हैं, तुम चले जाओ मिसर. आई स्टे विद यू, रिपीटेड द बर्ड एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट. और वो प्रिंस के कदमों में सो गया. आगे देखते हैं कि क्या क्या हुआ, थोड़ा सा हम स्किप करेंगे. और अब जो है वो बर्ड उसके बिहाफ पे जाता है, कहता, अब तुम आंखें तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं जो है एक ओवरव्यू पूरा जो है इलाके का तुम्हें बताया करूंगा. जिस पे जो है हैप्पी प्रिंस फिर जो हालात बताते हैं उस पे वो हैप्पी प्रिंस उनकी हेल्प करना चाहता है. वो कहता है कि जो मेरे जिस्म के ऊपर जो पत्रन है गोल्ड का, वो उतार उतार के लोगों में तकसीम करो. आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, टेक इट ऑफ piece by piece and give it to my poor people. वो कहता है, ये जो मेरे जिस्म के ऊपर है ना, ये जो gold है, ये उतार के लोगों में तकसीम कर दे. The bird pulled off the gold until the happy prince looked grey and ugly. The bird took the gold to the poor and the children's faces became brighter. We have bread now. अब जो है, this is bitter criticism on the Victorian society that the rich people were least concerned and they were unaware of the suffering of the poor people. So there are different incidents which the writer has quoted
Like there was incident of a little girl, then writer, then a mother who is trying to, she was a seamstress. So they, all the poor people, they are suffering so much that they don't have basic need necessities of their life. So the snow came, ice followed the snow and hung down from the roofs and the houses. Everyone wore thick coats. The little bird came colder. उसी में जो है वो मर जाता है, इतनी ठंड है कि लोगों ने मोटे मोटे कोट पहने हुए. बर्ड है चूंकि उसने माइग्रेट करना था, ही डिड नॉट गो बिकॉज ऑफ हैप्पी प्रिंस, कि उसकी आईज नहीं है, ही कैन नॉट सी, और अब है वो मर गया. ठीक है, और वो कहता है आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, सेड द बर्ड, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ. ही किस्ड द प्रिंस एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, एंड देयर वाज अ स्ट्रेंज साउंड इनसाइड द स्टैचू क्रैक, द मेटल हार्ट ब्रोक इनटू टू पीसेस. और जब बर्ड मरा तो जो है हैप्पी प्रिंस के हार्ट में भी एक क्रैक की आवाज आई. अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग एन इम्पोर्टेंट मैन इन द सिटी वॉज वॉकिंग बिलो विद टू ऑफ हिज फ्रेंड्स. ही लुक्ड अप एट द स्टैचू. द हैप्पी प्रिंस डज नॉट लुक वेरी ब्राइट. ही सेड द रेड स्टोन हैज डिसअपीयर्ड एंड द आईज आर नॉट देयर एंड ही इज नॉट गोल्डन. ही लुक्स लाइक अ बेगर. अब जो है जो वहां पे मेयर्स वगैरह होते हैं वो वहाँ इकट्ठा हुआ और उसने कहा कि ये स्टैचू तो बहुत ही बदसूरत सा लग रहा है, इसकी तो ना वो सफायर रहे ना रूबी ना कुछ, तो इसको इट लुक्स लाइक अ बैगर. डज यस ही डज, सेड द मैन्स फ्रेंड. हियर इज अ डेड बर्ड ऑफ हिज एट हिज फीट, सेड द ऑफिसर. वी मस्ट मेक एन ऑर्डर दैट बर्ड्स कैन नॉट डाई हियर. हाउ रबिश, हाउ फूल दे आर, कि बर्ड्स को यहाँ मरने की इजाजत नहीं है, ये ऑर्डर निकाले. They pulled down the statue of the Happy Prince and put it in the fire. उन्होंने वो उसका जो है statue उतारा और उसे melt कर दिया, furnace में डाल दिया. A stream of bright metal ran out. This is strange, said the workman. This broken piece in the middle of the statue has stayed hard. So much threw it away. So they threw it away with the dead bird. अब उन्होंने क्या किया? जैसे उन्होंने देखा. अच्छा जी, उन्होंने उसका निकाल स्टैचू गिराया और फिर उसके बाद उन्होंने फर्नेस में डाल दिया और सब कुछ मेल्ट हो गया, लेकिन एक वो जो हार्ट जो था इट कुड नॉट मेल्ट, तो उसने वो फेंक दिया बाहर. दिस इज स्ट्रेंज, सेड द वर्कमैन. दिस ब्रोकन पीस इन द मिडल ऑफ द स्टैचू हैज स्टेड हार्ड. उन्होंने कहा बड़ी अजीब सी बात है कि बाकी तो सब कुछ मेल्ट हो गया, ये क्यों मेल्ट हुआ. तो उन्होंने डेड बॉडी जो बर्ड की पड़ी हुई थी ना उसके पास उन्होंने फेंक दिया उसको. गॉड सेड टू हिज सर्वेंट्स, गॉड ने, अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को कहा, ब्रिंग द टू बेस्ट थिंग्स इन द सिटी, शहर से जो सबसे बेहतर दो चीजें ना वो लेकर आओ. एंड दे ब्रॉट हिम द ब्रोकन हार्ट एंड द डेड बर्ड. वो क्या लेकर आए? ब्रोकन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड ऑल्सो द डेड बॉडी ऑफ द बर्ड. Yes, you have brought the right things, God said. This little bird will sing forever in my garden. Aur Allah Taala ne farmaya ki ye jo parinda hai hamesha meri jannat mein chahchahayega, and the happy prince will stand in my city of gold. Aur ye jo happy prince hai ye hamesha mere shehar mein rahega. So this is written by Oscar Wilde, The Young King and Other Sea Stories, SX Penguin Books 2000 se liya gaya hai. So this is the end of the story. So the poor happy prince sacrificed his materialistic things for the poor, and Swallow sacrificed his life for the happy prince. That's why they were rewarded that much in the world and hereafter as well. The theme of the story is the achievement of happiness. It is achieved by sharing the woes of and suffering of common people. The pursuit of a superficial pleasure gave only temporary satisfaction. Whereas the pursuit of achieving spiritual salvation through love and sacrifices gives unending and lasting pleasure. So these are, and also there is a criticism on political and social criticism on the society. The ruler, whether they are king or politicians, always desire for leading a luxurious life. The politicians make tall and false claims but never fulfill them. राइट और ये पॉलिटिशियंस पे भी क्रिटिसिज्म है, अमीर लोगों पे भी है, कि दे आर अनअवेयर ऑफ द सफरिंग ऑफ द पीपल. सो लेट मी गिव यू द क्वेश्चन. आपने इसका फेरी टेल करना है, एक तो तैयार, एक आपने इसका जो है करना है नोट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल क्रिटिसिज्म ऑन द सोसाइटी, एंड देन कैरेक्टर स्केच ऑफ हैप्पी प्रिंस,
एंड देन जो है व्हाट डिड मेक द हैप्पी प्रिंस वीप इन द हैप्पी प्रिंस. दिस इज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. लव इज